इस वीडियो में बताई गई जानकारी हिंदू ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, इसका उद्देश्य ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। अगर आप यह वीडियो पूरा देख सकते हैं तभी देखें, कृपया तर्कपूर्ण कमेंट ही करें। पिछले वीडियो में हमने देखा शिवा क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम शिवा की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। शिवा, अल्लाह, जीसस, आप गॉड को कुछ भी कह सकते हैं, इससे ही हमारी यूनिवर्स बनी है, या यह कहिए यही यूनिवर्स है और यही वैज्ञानिक भाषा में एनर्जी है। आप सभी ने शायद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप मैटर भी जानते होंगे। अगर नहीं तो हम बताते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है। मैटर को हम तारे, ग्रह, एटम्स और अपने शरीर के रूप में जानते हैं, यानी हर वस्तु मैटर या पदार्थ से बनी हुई है। पूरी यूनिवर्स में 4% ही मैटर है, बाकी 21% डार्क मैटर है और 74% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते, वैज्ञानिक भी अभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्स को बनाने में इसी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का योगदान है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम इसे अपने ग्रंथों में ढूंढते हैं। हिंदू ग्रंथों में आदि शक्ति या मां शक्ति को ही डार्क एनर्जी कहा गया है। आप इसे विकिपीडिया में भी ढूंढ सकते हैं। हमारे ग्रंथों में जो शिवा हैं वो भी डार्क एनर्जी से ही पैदा हुए हैं, इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शिवा ही यूनिवर्स है। टाइम या समय एक चक्र है जिसे हम काल चक्र या समय चक्र कहते हैं। उसे शुरू करने की शक्ति शिवा के पास है। माँ शक्ति, आदि शक्ति या गॉड, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही शिवा को बनाया। आप यह भी कह सकते हैं कि शिवा और माँ शक्ति एक ही हैं, इसलिए शिवा के पास ना खत्म होने वाली एनर्जी है, बिल्कुल माँ शक्ति के जैसे, जिस एनर्जी से वो यूनिवर्स बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। विज्ञान इसे ब्लैक होल के रूप में जानता है, जो विनाश के लिए जिम्मेदार है और लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। इससे ही गैलेक्सी खत्म होती है और नई गैलेक्सी का जन्म होता है। हर हिंदू मंदिर में शिवलिंग कुछ इसी प्रकार से दिखता है। अब बात आती है कि माँ शक्ति और शिवा ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया। टाइम या काल चक्र को शुरू करने के लिए शिवा को डार्क एनर्जी में वैक्यूम स्पेस बनाने की आवश्यकता थी। शिव पुराण के अनुसार हमारी यूनिवर्स में 1/10 रुद्र हैं। इसका मतलब है कि वह हमारी यूनिवर्स के साथ ही बने हैं। शिव पुराण के अनुसार रुद्र के पास भी शिवा के बराबर शक्ति होती है, मगर वह सिर्फ गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स को ख़त्म करने के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। बिग बैंग को शुरू करने के लिए शिवा ने ही तांडव नृत्य किया था, जिसे हम कॉस्मिक डांस कहते हैं। आप इसे भी विकिपीडिया में चेक कर सकते हैं। शिवा के इस रूप को नटराज कहते हैं। नटराज के चारों ओर का चक्र ब्लैक होल की सरफेस को दर्शाता है, जो तांडव करते समय एनर्जी के वाइब्रेशन से पैदा हुआ। आग की जो लौ इस चक्र से निकल रही है, यही मैटर का प्रतीक है। लौ के बीच की दूरी वैक्यूम स्पेस को प्रदर्शित करती है और यह चक्र समय है, जिसे हम टाइम कहते हैं। शिव शक्ति से ही विष्णु पैदा हुए, जो अपना आकार बदलने में सक्षम हैं, जो इलेक्ट्रॉन की तरह छोटे भी हो सकते हैं और यूनिवर्स की तरह बड़े भी। विष्णु, जो हिंदू धर्म में यूनिवर्स का आधार माने जाते हैं, इसी कारण से यह भी कहा जाता है कि विष्णु हर जगह हैं, और यही कारण है विष्णु अवतार लेते रहते हैं। ब्रह्मा, जो विष्णु की नाभि से पैदा हुए, वो टाइम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी अपने यूनिवर्सल लॉ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है, ब्रह्मा ने ही फोर्स और जितने भी लॉ हैं वो बनाए, जिस कारण हम ब्रह्मा को ही विधाता कहते हैं। बिगर ब्रह्मा के कुछ भी मुमकिन नहीं है। रुद्र, जो शिवा के अंश हैं, वो विनाशक के रूप में काम करते हैं।
जिससे हमारी सृष्टि का संतुलन बना रहे, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह। अगर हिंदू धर्म की माने तो विष्णु भगवान की आत्मा है, ब्रह्मा भगवान का दिमाग है, शिवा सोल मेकर है और माँ शक्ति भगवान की पावर, और भगवान एक है। हर धर्म इसे अपने अपने तरीके से याद करता है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, अल्लाह भगवान या गॉड। साइंस इसे एनर्जी कहती है और यह एक शक्ति है जो हम सबके अंदर है और यह हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और शायद यही कारण है कि आज भी जर्मनी में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। हिटलर ने अपने सभी साइंटिस्टों को संस्कृत पढ़ने को कहा और उन्होंने हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर नए नए आविष्कार किए, जैसे मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, एटम बम, मेडिकल साइंस। जो भी आज हम देख रहे हैं वह सब हमारे ग्रंथों में पहले से ही मिलते हैं। यहाँ तक हिंदू ग्रंथों में टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन की बात भी है। अगर हम भविष्य में यह सब देख पाएं तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यह पहले भी हो चुका है। हमें अपने ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। हमारे ग्रंथ विज्ञान का आधार है, उनमें हमारे हर सवालों का जवाब है। हमें तो बस उन्हें खोलकर देखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट